भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा से आना, काम का है तू ये माना डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। चल तो मुझे बता कि कौन ले गया ये तुम्हारी 6-7 महीने की तरह। ओ साहब जी, मेरा हाल तो जी उस आदमी जैसा है जो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाए जी, तो आगे जिसको रिपोर्ट लिखवा रहा हो जी वही मुजरिम हो। लो जी, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। देवाजी जी, आपकी शादी के लिए ना मैं गोटे वाला सूट सिलवाऊंगी। रेशमा तू फिक्र ही ना कर, मेरे पास ना एक बड़ा खूबसूरत सूट पड़ा हुआ है, वो मैं तुझे सिला के दूंगी। अच्छा जी। उसमें तो जी इसके पूरे खानदान के सूट बन जाएंगे जी। रेशमा तू मेरी शादी पे ना बहुत अच्छे अच्छे गाने याद करके सुनाना, जा खूब रौनक लगाना। जी जी आप फिक्र ही ना करें, ऐसी रौनक लगाऊंगी कि याद करेंगी आप। वो एक फिल्म थी ना उसमें हीरोइन गाना गाती है वो इश, वो तुम्हें याद है? बाजी ऐसी इश करूंगी कि सब ठिश हो जाएगा। ओ वैसे बाजी आपकी उम्र तो भी खेलने की थी जी, आप शादी जल्दी कर रही हैं। हाँ दीदी, कहता तो ठीक है पर देखना लड़कियों की शादी वक्त पे हो जाए तो अच्छा ही होता है ना। हाँ जी, अल्लाह करे सब पे अच्छा वक्त आए जी। वैसे बेगम साहब बता रही थी जी कि बंदा बड़ा खूबसूरत है जी और बॉडी बिल्डर भी है। हाँ बाजी और भी बहुत सी खूबियां बता रही थी। अच्छा जी, मुंह से आग निकाल लेता है, क्या करता है रात को 12 बजे कब्रिस्तान चला जाता है, और क्या क्या करता है वो? तू क्यों मखौल करता रहता है हर वक्त? अच्छा बताना रेशमा और भाभी क्या क्या बता रही थी। और क्या बताना है जी, बाजी जी कल सुबह अगर उनकी ट्रेन पहुंच गई किसी तरीके से तो शाम में वो यहाँ होंगे। हाय अल्लाह, मेरा तो अभी से दिल ना धक धक कर रहा है। धक धक करने लगा ओ मोरा जियरा जलने लगा। बाजी अगर ड्राम ध्रूम धाक कर ले तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। हाय अल्लाह दीदी, तू कितना सियाना है। बाजी जी मैंने कभी फख्र नहीं किया जी इस बात पे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल की तैयारी करती हूँ, फिर तो अभी से हाथ पांव फूले, मुझे कुछ हो रहा है। रेशमा तू गाने याद कर, मैं तैयारी करती हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तैयारी करें जी, पेपर है सुबह आपका। बड़ी बुरी बात है, तू हर वक्त मखौल करता रहता है, सीधे साधे मासूम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और पागल सीधे साधे मासूम लोग ही हमारी बात सुनते हैं, वरना और कौन सुनता है? देखो ना कितनी खुश थी वो, पता नहीं हमारी किस्मत में ये दिन कब आएगा। हमारी किस्मत में ये दिन बहुत जल्दी आएगा, बस तू दुआ कर साहब जी का चेक कैश हो, इधर मुझे 7 महीने की तनख्वाह मिली, 6 महीने की मैंने तुझ पे लगा देनी है। हाँ नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सुन, 1 मिनट बाद किचन में आ जाओ। दीदी ये लो मेरी जान, मेरी जान बच गई बेगम साहब, अल्लाह का शुक्र है जी जान बची है जी। मैं अंदर माचिस जलाने लगा था जी, अंदर किसी ने गैस छोड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से जान बची है जी, मेरा तो कोई रोने वाला भी नहीं है जी। शुक्र है तू बच गया, वरना खाम खा आंखों का पानी जाया होता। तू वैसे कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, कल का इंतजाम ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, मैं बड़ा गोश्त ले आया, उसको छोटा छोटा करके पकाएंगे ताकि हम सब पकड़े ना जाएं जी, उसमें कुछ छोटे गोश्त की हड्डियां भी डालेंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, आओ रेशमा मेरे साथ। रेशमा रेशमा, तेरे नसीब में है दोस्त ये चूड़ियां नहीं। माशाल्लाह बड़ी चौली तबीयत है आपकी। ये फरमाइए कि आपका सफर कैसा रहा? अरे भाई सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और आपसे मिलने की खुशी में तो पता ही नहीं चला। आपका घर बहुत पसंद आया हम लोगों को, ये हमारे रहने के लिए नहीं, मेरा मतलब है खूबसूरत और पुरसकून सा। जी जी माशाल्लाह और भी पुरसकून हो जाए।
आमिर बेटा नजर नहीं आ रहे। मेरा बेटा जरा शर्मीला सा है, बस आता ही होगा। हाँ वो बेटियां नजर नहीं आ रही हैं। वो आप लोगों के लिए चाय बना रही हैं। खाना तो देर से ही खाएंगे ना, क्योंकि भाभी बता रही थी कि आपने ट्रेन में 7 पराठे और 1.5 किलो कीमा खाया है साथ वाले मुसाफिर का। नीचे उतर के खाया था। फिर भी खाया, भाई वाह माशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए कि बरखुरदार आमिर क्या करते हैं? हाँ आमिर मेरे साथ बिजनेस करता है। अरे वाह भाई, चले 1 से 2 भले। अब ठेले पे खड़ा हुआ एक आदमी तो अच्छा नहीं लगता ना। आपने देखा था क्या? आप कह रहे हैं ना मिलके बाप बेटा बिजनेस करते हैं। हाँ शुक्र अल्लाह इसने देखा। बस हंसते खेलते रहना चाहिए, यही अच्छी सेहत का राज है। बाजी आ गई, बाजी आ गई। अरे रीमा आओ, रीमा आओ, यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ बैठो। या अल्लाह खैर, ये सोफा अभी खरीदा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हो रहा है? चाय बना रही थी। नहीं मेरा मतलब है क्या हो रहा है? आपके पास बैठी वो जी, असल में हमारी भाजी कब आ गई है जी, इनको 1-2 साल बाद तो कोई देखने आता है। आप? अरे जनाब ऐसे लगता आपने जैसे लाश देख ली है, आपकी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बरखुरदार है अपना? ये हमारा मुलाजिम है, हमारे बच्चों की तरह है। बाजी की बहुत इज्जत करता है, हम इसे अपने घर के फर्द की तरह समझते। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अपने राशन कार्ड पर मेरा नाम लिखा है। भाई अपना डीडी देखो बाहर कौन आया। जी मैं देख के। जी फरमाइए। मुझे आमिर कहते हैं। आप सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि आपको आमिर कहते हैं? मुझे भट्टी साहब से मिलना है। भट्टी साहब फिलहाल मसरूफ हैं, आप बाद में आइएगा। मैंने आपसे कहा ना भट्टी साहब मसरूफ हैं, मेहमान आए हैं उनके पास बैठे हैं। मैं उन्हीं मेहमानों के साथ हूं। उन्हीं मेहमानों के साथ हैं तो साथ क्यों नहीं आए? क्यों आपकी साइकिल पंचर हो गई थी? अरे आप उन्हीं मेहमानों के साथ, आप वो वाले हैं, मैं समझा ये वाले हैं आप। आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए। जूतों के साथ जुराबे तो पहन के आने चाहिए इंसान को। खैर बहरहाल आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए जी आइए आमिर साहब, आइए 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 आइए। भाई माशाल्लाह ये मेरा बेटा है बरखुरदार आमिर। कैसे हो बेटा? ठीक हो बेटा? आपके इलाके में बाल काटने वालों ने हड़ताल कर रखी है। साहब जी औजार लाऊं जी? बगावत, आप यहाँ क्यों ले आए जनाब? क्यों तरद्दुद किया आपने? जहाँ से आपने अपनी विग खरीदी थी वहाँ से एक और खरीद ले। नहीं इसके अपने बाल हैं। हाँ अच्छा माशाल्लाह। मेरी तनख्वाह जी। इधर आ, तू हर वेला मेरी दुम बना रहता है। तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह। राबिया जी देखो बात ईमानदारी से ना सच्ची करनी चाहिए। ये जो लड़का आया था ना रिश्ता अभी, जहर लगा मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब शहजादा चार्ल्स तो रिश्ता मांग नहीं सकता, हमारी रीमा बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी मजीद। हाँ ओए बक बक बंद कर। देखो कहते हैं मियां बीवी जो होते हैं ना ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। इस लड़के को देख के लगा कि 1 पहिया स्कूटर का और 1 ट्रैक्टर का है, कोई जोड़ तो हो। हमने शादी करवानी है, रेसलिंग नहीं करवानी। पता नहीं किस जोड़ की आप बात कर रहे हैं। अच्छा भला तो लड़का वो बाजी से तो पूछ ले। हाँ भाई तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा क्या फैसला? शादी मैंने तो नहीं करनी, शादी रीमा ने करनी। अब किसी शान का इंतजार कर करके ना उसे बूढ़ा ना कर देना। पहले ये तो पता करो कि उन्होंने भी रीमा को पसंद किया है कि नहीं। बहुत पसंद किया है, वो तो कह रहे जल्दी शादी करनी है, 8-10 लोग लाएंगे, जल्दी निकाह करेंगे। बस तो फिर मैं उनको फोन करके कंफर्म कर दूं। हाँ, हाँ। चलो मुबारक हो सर, बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक भाई। तो शादी के फौरन बाद मेरी तनख्वाह का कुछ कर। निकलो बात निकल। क्या बात है, बड़े उदास हो? बाजी जी के जाने के बाद जी इस घर में बड़ी उदासी हो जाएगी। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी, बड़ी अजाब जिंदगी थी।
ये साहब जी किधर है? फारग बैठे थे जी, मैंने बोला जाके डेकोरेशन वालों से बात करके आए जी। ये रीमा को पार्लर से कितने बजे लाना है? ओ, वहाँ तो बड़ा टाइम लगना है जी, उन्होंने तो इलाका बंद कर दिया है। 40-50 नई लड़कियां उनके मुंह पर काम सीख रही। ज्यादा बातें मत बना, ये चौकीदार को कह देना कि कोई दूसरा बंदा एंटर ना होने दे, हमने चंद गिनती के लोग बुलाए हुए। ठीक है जी, मैं कह देता हूँ जी, मैं अभी जरा उदास बैठ सकता हूँ थोड़ी देर जी? बैठ जा। मैं तो रात डर ही गया था जी। क्यों, रात तुमने शीशे में अपनी शक्ल देख ली थी? ओ नहीं सर जी, आधी रात को मुझे चीख की आवाज आई है जी, मैं गेट की तरफ भागा हूँ जी, आगे गेट पे सन्नाटा था जी, मैं वापस आया हूँ तो चीखें आपके कमरे से आ रही थी। मैं समझ गया जी कि आज यौम हिसाब है जी, और बेगम साहब आपका हिसाब किताब कर रही। ओ तेरा भला हो जाए, ओ तुमने उस चीख की आवाज सुनी थी? मैंने भी सुनी थी, पर मैं गेट की तरफ नहीं गया। क्यों जी? इसलिए कि वो चीख मेरे ही कमरे से आ रही थी, और मेरे मुंह पे ये लाल निशान देख के भी तुम्हें पता नहीं चला? बेगम साहब का हाथ भी बहुत भारी है जी, चीख तो निकलनी थी। और बेवकूफा, वो चीख मेरी नहीं, बेगम साहबा की निकली थी। ओ, सोते में उठी होंगी, अचानक से आप सामने आ गए होंगे जी। और तू बड़ा अखबारी रिपोर्टरों की तरह कुरेद कुरेद के मुझसे वाकयात पूछ रहा है, क्या बात है? ओ नहीं सर जी, मैं तो वाकये की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था जी। चाहता है तुझे तय करके ऐसी जगह रख दूं कभी तेरी शक्ल ना देखूं। पर भट्टी साहब, आप बड़े मसाले लगा लगा के बातें कर रहे थे, किसी न्यूज चैनल के सर चढ़े एंकर की तरह, जो पहले किसी की गर्दन पकड़ता है फिर अपने ही हाथ दबाने लग जाता है। ओ, मैं तो रबिया इसको वाकये की तफसील बता रहा था। आपने मेरी छोटी सी बात को ब्रेकिंग न्यूज बना लिया था। अच्छा ये बताओ कि रात वाकया हुआ क्या है? वो जी, मैंने रात को डरावना ख्वाब देख लिया था, ताबीर समझने से पहले मेरी चीख निकल गई। हमारे ख्वाब भी तो सच्चे नहीं होते ना जी। वो मेरा जानने वाला है जी, वो ख्वाबों की ताबीर सच सच बता देता है।
अगर आप कहती हैं तो मैं ले चलता हूँ। तू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है मतलब है? ओए अबे मेरे साहब खुदा का नाम माने ये जलसा नहीं है जी, क्यों लाठीचार्ज शुरू कर दिया आपने? चल निकल से हैडर हम काम चोर। ओहो बेगम, नौकरों पर इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। नौकरी छोड़ के चला गया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये कभी नहीं जाएगा भाई, बड़ा अंधा एतमाद है तुम्हें। इसलिए कि जब भी आप चैनल वालों से चेक मांगते हैं ना, वो आपको नया ड्रामा देके ना आपका मुंह बंद करा देते हैं। और मैंने एक दो प्रोडक्शन हाउस वालों से भी कह दिया है, मैंने कहा भी ये जो दूसरे शहरों से तुम एक्टर बुलाते हो ना, वो हमारे घर ठहर सकते हैं। जिंदगी में पहला अच्छा काम किया आपने। ये जो अभी काम किया मैंने, ये तो मैंने अच्छा ही काम किया अपनी तरफ से। अच्छा जाओ जाके देखो कहीं वो नौकरी छोड़ के चला ही ना जाए। सारे काम मेरे पे ही डालना। अच्छा ये कहाँ गई? लबई बागों में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले। सलाम अलैकुम साहब जी। ओए वालेकुम अस्सलाम रेशमा जी। दादी बल्कि बहुत ही अपनी रेशमा। मैं क्या, तुम जब सलाम में से मीम उड़ाती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। मीम कोई पतंग है साहब जी कि मैं उड़ाती हूँ? और जहां तक अच्छा लगने की बात है तो ये तो आपका अपना मसला है ना फिर। अच्छा अच्छा, अब कपड़े ना जरा इतिहास से धोया कर, हर पैंट की जेब फटी हुई होती है। साहब जी, जिन पैंटों की जेबों में कुछ रखना ही नहीं हो, वो साबित हो या फटी हुई हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या रेशमा, वो तुम्हारी तबीयत तो अमरीकनों जैसी होती जा रही है। वो कैसे साहब जी? क्या अच्छा सवाल कर दिया तुमने अचानक। वो ऐसे कि तुम हमारे घर के फैसले अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक करती हो, फिर तुम हमारी पैंटों की जेबों के गिरे बानों पर हाथ डालती हो, उसके बाद हम पे तंज करती हो। आखिर हमारी भी मुआशरे में कोई इज्जत है? साहब जी, अपने घर की हिफाजत करनी हो तो अपने घर के दरवाजे बंद करके रखने चाहिए। वाह 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 रेशमा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, सियानी हो गई हो। इसका मतलब है तुम हर बात समझ रही हो ना? साहब जी, मैं तो सिर्फ बीन बजाती रहती हूँ। झूठी कहीं की जी। सोर साहब जी, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ बातें करने आती हो कि काम करने आती हो? तो मेरे से किस तरह बोल रहे हो? किचन में चलो, मैं आता हूँ। क्यों? चलो 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 जाके काम करो। काम की तरफ तवज्जो नहीं देते मुलाजिम, और बातें करा लो जितनी मर्जी इनसे। वाह 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 वाह, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कितना नमकीन है, धूप में घूमते रहते हो। ओहो साहब जी, आपका भी बड़ा तेजाबी मुंह है जी। हैं? और बात सुन, ये तुम मेरा रोल कर रहे हो हैं? ये जो तुमने डायलॉग बोले है ना, इसके बाद मेरा दिल चाहता है मैं किचन में जाऊं, पोचा फेरूं, प्लेटें साफ करूं, हंडिया बोलूं। हैं? ओह नहीं नहीं साहब जी, आप समझ नहीं रहे, नौकर लोग हैं, थोड़ी सी ढील देंगे सर पे चढ़ जाएंगे सर। शट अप, बदतमीज कहीं का, जाओ। तुमने खुद ही तो कहा है कि मुलाजमों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए बेगम साहब, आइए। डराता है मुझे, डराता है। चार घड़ियां सुकून की मिलती हैं तो उसमें भी टपक पड़ता है। साहब जी आप देखें, आप मेरे फार्मूले मुझ पे तो ना इस्तेमाल किया करें। चल, चल जाके काम कर। चल शाबाश। हाय कोई सुख का सांस नहीं लेने देता। ले भाई बागों में पड़े चूले। मैं सरकार, क्या बात है, बम लग रहे हो तुम? तो मुझे उन सबके सामने डांट क्यों रहे थे? सबके सामने? खबरदार जो तुमने साहब जी के साथ हासिल की बात है की, 34 दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे, 32 तुम्हारे और 2 उनके। अच्छा, मुझे इसको भूख लग रही है बहुत। और मेरी दादी, मैं अभी बस ये बकरे की कढ़ाई बना रहा हूँ। ला ला इधर ला। इसके ऊपर, इसके ऊपर। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। 34 दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे, 32 तुम्हारे और 2 उनके।
अच्छा मुझे इसको भूख लग रही है बहुत। ओ मेरी दादी, मैं अभी बस ये बकरे की कढ़ाई बना रहा हूँ। ला ला इधर ला। इसके ऊपर इसके ऊपर। ओ क्या हो रहा है? वो बेगम साहब इसके ना दांत में दर्द था तो मैंने दवाई लगाई है। मेरा ख्याल दवाई तेज थी। तूने चखी नहीं थी क्या जी दवाई? ऐसा करो रूई के अंदर 4-5 पोटियां रख के ना दांतों में रख दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जहर से बुरा लगता है। तुझे किसने कहा था गर्म पोटी मुंह में रखो? चलो खाओ आप। आओ आओ यार, मेरी शराबी है तो। अब वैसे रहे आलू गए हैं, पोटियां तो खा रही है सर। हेलो हेलो, ओहो खाना भी तो है। हेलो भट्टे साहब होंगे जी? होंगे क्या मतलब, अल्लाह के फजल से हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक वो मेरी तनख्वाह नहीं दे देते। बात कराइए। किससे? मुझसे और किससे? बात नहीं हो सकती। बात क्यों नहीं हो सकती भाई? भाई साहब जब वो घर पे है ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? आप कौन सा बोल रहे हैं? डी डी भाई देखें, मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूँ? आप उनके क्या लगते हैं भाई साहब? कुछ भी नहीं जी। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे कुछ नहीं लगते, अलबत्ता मैंने उन्हें रखा हुआ है तनख्वाह पे मालिक। उन्हें बता दीजिएगा इस्लामाबाद टीवी के दो फनकार आपके यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये बात आप पहले भी बता सकते थे, दिमाग की दही और फिर उसके बाद लस्सी बनाने की क्या जरूरत थी? अपना नाम बता दें। शाकिर बोल रहा हूँ जी। मैंने आपका नाम पूछा है, बोलने वाले का नहीं। ओके खुदा हाफिज। बोलने वाला शाकिर। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। बड़ा चीख रहा है, नए सेल डलवाए तूने? नहीं जी, मुझे लगता है मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, हल्की सी रोशनी नजर आई है। जब तेरी तनख्वाह मिल जाए ना हमारी पार्टी जरूर करना। बेगम साहिबा वैसे आप मौका मिलते ही पार्टीबाजी शुरू कर देती हैं। छोड़ो इस बात को, पहले खुशखबरी तो सुनाओ ना। इस्लामाबाद से दो फनकार आ रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे होंगे। नहीं फिलहाल तो देखने आ रहे हैं, हो सकता है बाद में सेटल हो जाए। डीडी हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? कैसी बात कर रही है, वो अगर सुन लेंगे तो मर जाएंगे। आप उनको कैसे पहचानेंगे, कैसी बात कर रही हैं आप? मगर तुम बात तो सुनो ना, ज्यादातर इस्लामाबाद के जो फनकार है ना वो अंकल सरगम के साथ मुंह छुपाए बैठे हुए होते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कमरों की सफाई करो, मैं जरा खाला जी के घर जा रही हूँ, और जरा ख्याल रखना। अच्छा अच्छा जी ये बताए कमरा कौन सा साफ करूँ, साफ जी वाला कर दूँ? कर लो, बड़ा गंदा है। अच्छा लो भाई इसको रख दूं सेंटर में। नहीं सेंटर में अगर किसी ने बैठना हुआ तो ये कर देता हूं, क्योंकि मेरी रेशमा को लाल फूल बड़े पसंद है। ठीक है। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी, आज घर में इतनी सफाई क्यों हो रही है? आपको नहीं पता बाजी जी, इस्लामाबाद से दो फनकार आ रहे हैं यहाँ रहने के लिए। सच्ची? हाय। एक तो आप हर वाक्य पे हाय डाल देती हैं, क्या हो गया आपको? आपके तो अपने भाई जो है इस मुल्क के अच्छे खासे बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं, बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। ओ दीदी घर की मुर्गी ना दाल बराबर होती है, और आजकल ना मुर्गियों से वैसे भी परहेज करना चाहिए, क्या पता किस वक्त मुंह के बल जा पड़े। जी जी क्या बताओ उसमें कोई कमारा भी हो और कुदरत ने उसके मेरे लिए भेजा हो। कुदरत ने नहीं भेजा जी, शाकिर साहब ने भेजा है। अच्छा चलो किसी ने भी भेजा हो, पर तू ख्याल रखना। नहीं जी इसके लिए अलग पैसे होंगे जी, ये मेरी ड्यूटी में नहीं है। जी जी क्या पता हो उसमें कोई मेरे ख्वाबों का शहजादा हो और मुझे लेने आ जाए। आपको अपने सारे वाकयात याद है जी, मेरे पैसों वाली बात नहीं याद हो रही। बहरहाल देखें इसके लिए आपको सोना पड़ेगा, बहुत लंबा सोना पड़ेगा, ख्वाबों के शहजादे के लिए ख्वाब देखने पड़ेंगे। और दीदी ये तो मुहावरा है। बड़ा ही बुरा मुहावरा जी। बाजी जी। हाँ जी। बाजी जी वो पीले रंग का थान किसने धोने के लिए रखा था? वो बड़ी बुरी बात है, मशीन की गरारी टूट गई। वो रेशमा थान नहीं मेरी साड़ी है।
बाजी जी वो है नहीं, वो थी, वो तो मशीन में फंस के लीरो लीर हो गई बाजी जी। हाय है रेशमा? हाँ बाजी जी। वो तो मैंने आज उनके आने पर पहनी थी। हाय बाजी जी ये तो बहुत ही अच्छा शगुन है, पता नहीं क्या हो जाता। वैसे वैसे आप इस सूट में कितनी अच्छी लग रही हैं बाजी जी, वाह वाह। आपके ऊपर तो बल्कि कपड़ा खुद सजने लगता है। हाँ जी जी, और कपड़े को भी पता चल जाता है जी किस चीज पे चढ़ रहा है। बहरहाल साड़ी गई जी। बाजी जी वो वाला सूट आपको याद है? वो आप पे बड़ा अच्छा लगता था बाजी जी। हाय आप इतनी अच्छी लगती थी, देखिए ना वो आप जब पहनेंगी ना तो वो आप बहुत अच्छी लगेंगी। और वैसे भी ना देखिए आपकी शादी का जब ऐलान होगा ना तो मुझे बड़ा मजा आए। हाँ जी आपकी शादी का ऐलान तो इंशाल्लाह मस्जिदों से होगा। अगर मस्जिदों से ना हुआ तो मैं खुद तांगे पे बैठ के आपकी शादी का ऐलान करूंगा। हजरात शादी में शिरकत करके सवाब हासिल करे। अच्छा दीदी, अल्लाह करे रेशमा तेरी भी शादी हो जाए और तेरा शहजादा। खाना अच्छा पकाता हो, खूबसूरत हो और बाई तरफ खड़ा हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारी रेशमा का ऐसा शहजादा हो। देखे आप बगैर समझे हुए ना मेरी फाइलों पर पानी गिरा रही है, आपका भी काम नहीं होगा। मेरा खाला मेहमान आ गए। रेशमा तुम जाके करेले छीनो, मैं दूध देता हूँ। जी वालेकुम सलाम। आप लोग शाकिर साहब के मेहमान हैं? हाँ हाँ शाकिर साहब जी। इस्लामाबाद के फनकार हैं आप लोग? जी बिल्कुल फनकार। बैठ के बात करें? क्यों जी आपकी टांग पे गोली लगी हुई? नहीं मेरा मतलब है कि अंदर चल के बात करते हैं। काफी अंदर तो आप लोग आ गए हैं। अच्छा ये बताइए आप फनकार तो हैं लेकिन आप लोग काम क्या करते हैं? काम ड्रामा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका सामान नजर नहीं आ रहा। वो भी आ जाएगा, पहले हमने सोचा घर देख लेना, हमें उन्होंने भेजा है। वो शाकिर साहब ने? शाकिर साहब ने भेजा है जी बिल्कुल। अच्छा मैं आपको कुछ उसूल है वो पहले बता देता हूँ। रात 9 से लेकर 10 बजे तक डिनर मिलेगा, उसके बाद किचन हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चाबी मैं ऐसी जगह रख दूंगा जहां आपका हाथ ना पहुंचे। अगर रात को आपको जरूरत पड़े चाबी ले इस्तेमाल करें, चाबी वापस रख दें। सुबह 8 से 9 आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में क्या लेंगे आप? बन में करेले रख दे दूं? आप कहीं भी कुछ भी रख के दे दें, कमरा बता दें। कमरे की तो अभी छत डल नहीं है। मजाक कर रहा हूँ जी, कमरा भी मिल जाता है। पहले जरा तारुफ तो करा दीजिए अपना। तारुफ, मैं शान खान। और मैं आमिर खान। वैसे खानों का कब्जा जी इंडियन इंडस्ट्री पे है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में तो अंकल सरगम नोनी पा मासी मुसीबते हैगा वगैरह हैं। मैंने आप लोगों को कभी टीवी पे देखा नहीं, माफ कीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि ट्रांसमिशन के बाद आते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन तो 24 घंटे रहती है। पापा नोनी पा, मैं नोनी पा। अरे और मैं मासी मुसीबते। अच्छा वैसे वो बड़े खूबसूरत लोग थे। आप लोगों को क्या हो गया है, इस्लामाबाद से पैदल आ रहे हैं आप लोग? बीमार शिमार रहते ना। अरे बीमार शिमार तो हमारे बॉस की सिस्टर भी रहती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, बॉस हमारे पार्ट टाइम सर्जन है। इंशाल्लाह मैं आपका बड़ा ऑपरेशन कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। बड़ा ऑपरेशन? छोटा छोटा करके करा दूंगा। एक सेकंड कमरा, एक सेकंड। मिट्टी मिट्टी झाड़ रहा था, मिट्टी झाड़ रहा था। कमरा आइए आइए, कमरा दिखाता हूँ। आइए आइए, ये है जी आपका कमरा, यहाँ है आपका क्याम और ये है मेरा ऐलान। सफाई का आपने रखना है खास इंतजाम। और ये है बाथरूम, आप जब दिल चाहे नहा सकते हैं। प्लीज कोशिश करें यहाँ सफाई का बड़ा ख्याल किया, क्योंकि बॉस को खपत है सफाई का। जुराबे मत बदले जितने दिन भी आप यहाँ। नहीं वो सफाई पसंद तो हम भी बहुत है, ये आपको वक्त साबित करेगा। लेकिन सामान तो आपके पास है नहीं। चलिए यही कपड़े आप उल्टे करके पहन लीजिएगा। कोई नहीं क्या आ जाएगा, हम ले आएंगे। चलिए कोई मसला नहीं, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, मुझे मत बुलाइएगा। पागल है? आपने मुझे कुछ कहा सर? नहीं मैं ऐसे नहीं कहा। और माफ कीजिएगा थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी इसमें, मैंने कहा झाड़ लूं। आप जो बातों की आग पे मेरा रोम रोम गुलाती है ना, मेरा जी चाहता है। मेरा भी जी चाहता है मगर मेरा बस नहीं चलता। भाई मेरा कमाल देखो, मेरा जी भी चाहता है, मेरा बस भी चलता है, मैं कर भी सकता हूं मगर फिर भी कुछ नहीं कर सकता। अब
भाई वाह क्या बात है तेरी ठाठ है तेरे शान तेरी भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना काम का है तू ये माना डीडी। अरे बातें बनाना चक्कर चलाना लुट गई ये सबसे अपना हो या बेगाना ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं भट्टी और डीडी भट्टी और डीडी भट्टी और